और आइए अब आपको ले चलते हैं बूथ नंबर 117, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालते हैं। कैसी है यहां की तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई का 117 नंबर का बूथ है, उसका मैं इंचार्ज हूँ। इस बीच हम बूथ नंबर 117 पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के लोग अपना वोट डालते हैं। पीएम मोदी का पोलिंग बूथ अहमदाबाद के साबरमती विधानसभा के निशान स्कूल में है। यहां हमेशा वोट डालने वाले बड़ी संख्या में वोट डालने आते हैं, यानी बीजेपी जमकर तैयारी में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में जिस बूथ पर वोट है, उस बूथ के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जो उस बूथ के वोटर्स को लगातार 5 साल तक मनाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि बीजेपी को उस बूथ पर जीत मिल सके, वो हमारे साथ में है। आशीष पटेल इनका नाम है। आशीष पटेल, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना नंबर ये बूथ है, मोदी जी के परिवार से यहाँ पर कितने वोट हैं, क्या पूरी जानकारी है इस बूथ के बारे में? यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई का 117 नंबर का बूथ है, उसका मैं इंचार्ज हूँ। और उनके घर परिवार में उनके बड़े भाई, उनका भाभी, उनका दोनों का वोटिंग भी यहाँ पे, और मोदी जी का भी वोटिंग यहाँ पे ही है। इस बूथ पर वोटर्स की संख्या कितनी है, जो जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का वोट है 117 नंबर बूथ? 1200 मतदार है। हाँ। और यहाँ पर मतदान लगभग 80% हो जाता है। इस बार बीजेपी पीएम मोदी के बूथ पर 90% से ज्यादा मतदान की तैयारी में जुटी है। देखना ये है कि इस बार बीजेपी यहाँ कैसा परफॉर्म करती है। विशाल पांडे, जी मीडिया, साबरमती। और अब गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी के साथ देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। गुजरात विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गुजरात की गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, जो कि गुजरात में बीजेपी के युवा और चर्चित चेहरों में से एक हैं। हर्ष संघवी जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। वेट द्वारका में जो अवैध अतिक्रमण हटाया गया, बुलडोजर चलाया गया, वहां पे एक मस्जिद भी उस बुलडोजर की कार्रवाई में आई थी, बुलडोजर की ही जरूरत क्यों पड़ गई वेट द्वारका में? विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आप विपक्ष से ये पूछिए, ये धरती भगवान कृष्ण की धरती है। भगवान कृष्ण की धरती पे अवैध मजार, अवैध जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, उसका डिमोलिशन करने में गलत क्या है? मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, विपक्ष स्पष्ट करे लोगों के सामने आके कि इस प्रकार के अवैध कंस्ट्रक्शन बेट द्वारका भगवान कृष्ण की जमीन में चला लेने चाहिए। इलीगल बांधकाम था, उसको हमने तोड़ा है। मोरबी को लेकर अगर बात करें, उस पर भी आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, खूब घेरा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो उसके मुख्य दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसकी सच्चाई क्या है? क्या किसी को बचाने की कोशिश की गई? इस पूरे मामले का सच क्या है हर्ष जी? देखिए, मोरबी की घटना एक बेहद दुखद और दुर्घटनापूर्ण घटना है। मेरी आपसे विनती है कि वो FIR एकदम ठीक तरीके से पढ़ी जाए जी। वो FIR घटना बनने के ठीक 1.5 घंटे में कर ली गई थी। FIR दर्ज होते ही कंपनी पे जो लोग अवेलेबल थे सबको पकड़ लिया गया, इसके साथ जुड़े हुए लोगों को भी तब पकड़ा गया। मुख्यमंत्री जी ने मोरबी पहुंचते पहले एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। वो हाई लेवल कमेटी में IAS IPS एवं विभिन्न विभाग के लोगों को लिया गया।